हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आज मैं लेकर आई हूँ आपके लिए नए स्वाद के साथ नई भेलपुरी की रेसिपी। आज हम बना रहे हैं लेमन पुदीना भेलपुरी, जो कि बहुत ही टेस्टी लगती है गाइस, और इसे बनाना भी बहुत आसान है। तो ऐसी ही शानदार शानदार रेसिपीज़ के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। तो तैयार हैं आप सब न्यू भेलपुरी की रेसिपी के लिए, तो चलिए बनाते हैं फटाफट से लेमन पुदीना भेलपुरी। लेमन पुदीना भेलपुरी बनाने के लिए हमने लेना है कढ़ाई। मैंने यहाँ पे नॉनस्टिक वॉक लिया है, आप कोई भी कढ़ाई ले सकते हैं। और कढ़ाई में हम डाल रहे हैं यहाँ पे ऑयल, तो 1 से 2 चम्मच हम यहाँ पे ऑयल डालेंगे, इससे ज़्यादा नहीं डालना है। ऑयल को हम हल्का सा गर्म करेंगे। जैसे ही ऑयल जो है वो हल्का सा गर्म हो जाएगा, हम इसमें डालेंगे थोड़ी सी हल्दी, अ पिंच ऑफ हल्दी हम इसमें डालेंगे गाइस। और इसके बाद अब हम डाल रहे हैं यहाँ पे नींबू का रस। जैसा कि आप देख सकते हैं गाइस, फ्लेम जो है वो मैंने लो ही रखा है। यहाँ पे 2 चम्मच के करीब हम नींबू का रस डाल रहे हैं। हल्दी और नींबू के रस को इसमें अच्छी तरह से हम मिक्स करेंगे कुछ इस तरह से। जैसे ही हल्दी और नींबू का रस इसमें अच्छी तरह से मिक्स हो जाएगा, हम इसमें डालेंगे पफ्ड राइस और मुरमुरा। यहाँ पे मैं 2 कप पफ्ड राइस ले रही हूँ गाइस। क्रंची होने तक हम मुरमुरे को अच्छी तरह से सेक लेंगे गाइस 2 मिनट तक। इसमें हम डाल देंगे थोड़ा सा नमक और साथ ही साथ हम इसमें डाल देंगे सूखा पुदीना। सूखे पुदीने को मैंने क्रश करके लिया है गाइस, तो आधी चम्मच के करीब हम यहाँ पे डालेंगे सूखा पुदीना। बहुत ही शानदार खुशबू आती है गाइस जब आप ये भेल बनाते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं गाइस, लेमन भेलपुरी तैयार है, हल्की सी क्रंची हो गई है, 2 मिनट भी हो गए हैं गाइस। तो अब हम क्या करेंगे, इसे रखेंगे ठंडा होने के लिए और फिर बनाएंगे हम लेमन पुदीना भेलपुरी। इसके लिए हमने लेना है बाउल और इसके अंदर हम डालेंगे लेमन पुदीना पफ्ड राइस। और अब हम इसमें डालेंगे कुछ मसाले। तो सबसे पहले हम डाल रहे हैं 1/2 चम्मच भुने हुए जीरे का पाउडर, इसे ज़रूर डालिएगा गाइस, इससे बहुत अच्छा टेस्ट आता है। साथ ही साथ 1/2 चम्मच से थोड़ा कम काला नमक डालेंगे, काला नमक भी ज़रूर डालिएगा गाइस। साथ ही साथ थोड़ी सी हम लाल मिर्च डालेंगे। और अब बारी आती है गाइस इमली की चटनी डालने की, इमली की चटनी ज़रूर डालिएगा। इमली की चटनी की रेसिपी जो है वो मैंने पापड़ी चाट की वीडियो में आपके साथ शेयर की है, आप चाहें तो वीडियो देख सकते हैं। तो यहाँ पर हम डाल देंगे 1 से 1.5 चम्मच के करीब इमली की चटनी। और अब बारी आती है इसमें बारीक कटे हुए प्याज डालने की, तो यहाँ पे हम बारीक कटा हुआ प्याज भी डालेंगे। साथ ही साथ अब बारी आती है बारीक कटा हुआ टमाटर डालने की। और अब बारी आती है इसमें आलू भुजिया डालने की, तो यहाँ पे हम डाल देंगे आलू भुजिया। आप चाहें तो कोई भी सेव यूज़ कर सकते हैं, लेकिन आलू भुजिया डालेंगे ना तो बहुत ही शानदार टेस्ट आएगा। मिक्स करेंगे सभी चीज़ों को। अब हमारी भेलपुरी जो है वो तैयार है गाइस, बहुत ही शानदार बनती है और बहुत ही शानदार खुशबू भी आ रही है गाइस। जब आप ये भेलपुरी बनाओगे ना, बहुत ही शानदार खुशबू आएगी और टेस्ट तो इसका बहुत ही लाजवाब आता है गाइस। मैं यहाँ पे लौंग के सेव भी डाल रही हूँ, आप चाहे तो स्किप भी कर सकते हैं। लौंग के सेव डालकर मैं इसे मिक्स कर दूंगी। और यदि आपको रेसिपी अच्छी लगे तो अपने फ्रेंड्स के साथ ये रेसिपी ज़रूर शेयर कीजिएगा। मिलते हैं हम ऐसी ही टेस्टी टेस्टी रेसिपीज़ के साथ नेक्स्ट वीडियो में। आई एम शिवानी, थैंक्स फॉर वॉचिंग।